इस्लाम के केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ कुरान में छंद हैं, जो प्राकृतिक दुनिया के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। कई मुसलमानों का मानना है कि कुरान में वैज्ञानिक चमत्कार हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये छंद वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं जो इसके रहस्योद्घाटन के समय ज्ञात नहीं थे। भ्रूण विज्ञान। कुरान मानव भ्रूण के विकास के चरणों का विस्तार से वर्णन करता है, जिसमें यह विचार भी शामिल है कि मनुष्य शुरू में रक्त के चिपके हुए थक्के से बने थे। मुसलमानों का मानना है कि सावियों शताब्दी में जब कुरान सामने आया था, तब यह जानकारी ज्ञात नहीं थी और इसलिए वे इसे एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में देखते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण। कुरान में बिग बैंग सिद्धांत और ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी पहले एक साथ जुड़े थे और फिर अलग हो गए। मुसलमानों का तर्क है कि यह विचार आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाता है। पहाड़ों को स्थिर कारक के रूप में। कुरान पहाड़ों को खूंटियों या खंभे के रूप में संदर्भित करता है जो पृथ्वी की परत को स्थिर करते हैं। इस विचार को आधुनिक भूवैज्ञानिक समझ के अनुकूल माना जाता है, जो मानता है कि पहाड़ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। जबकि कई मुसलमान इन छंदों को वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में देखते हैं, दूसरों का तर्क है कि वे व्याख्या के लिए खुले हैं और उन्हें रूपक के रूप में भी समझा जा सकता है। इसके अलावा आलोचकों का तर्क है कि कुरान में वैज्ञानिक टिप्पणियां दैवीय रहस्योद्घाटन के बजाय उस समय के ज्ञान और टिप्पणियों का परिणाम हो सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुरान के रहस्योद्घाटन के समय से वैज्ञानिक समझ महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। विद्वानों और वैज्ञानिकों ने कुरान में कथित वैज्ञानिक चमत्कारों पर बहस की है और उनके बीच कोई सहमति नहीं है। अंततः इन छंदों की व्याख्या व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत विश्वास और विश्वास का विषय बनी हुई है। अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।